चल भैया बैग कितने के हैं? 2050। यहाँ पे हाई सिक्योरिटी है। हाय। हवा महल के बाद हम निकल पड़े हैं जंतर मंतर और बहुत सारी जगहों पे। तो जाने से पहले हमें मिले बहुत सारे कलेक्शन जूते चप्पलों के और लेदर बैगों के। 1800 का बैग है ये लेदर का प्योर। जयपुरी कुर्तियाँ, जयपुरी बैग्स और तो और जयपुरी इतनी टूरिस्ट वाली ड्रेसेस थी ना, मार्वलस लग रही थी यहाँ पे। और साथ ही साथ आप यहाँ पे देखिए जयपुरी बैग दिख रहे हैं और काफ़ी कलेक्शन था जिसमें से मैंने खूब सारी शॉपिंग करी। जयपुरी जूतियाँ जिसको आप देखते ही पसंद कर देंगे, उस टाइप की यहाँ पे जूतियाँ हैं जो कि 200 से लेकर 300 तक की रेंज में है। और यहाँ पे हैं होम डेकोर के आइटम जो कि मैंने बहुत सारे लिए और बहुत सुंदर लग रहे हैं, आपको लास्ट में दिखाऊंगी। यहाँ देखो सभी रेट यहाँ पे हाई बोलते हैं कि टूरिस्ट प्लेस है, तो आपने बार्गेनिंग अच्छी खासी करनी है। कोई भी चीज़ जैसे बोल रहे हो तो डायरेक्ट नहीं देना है कहीं भी, क्योंकि यहाँ पर हम भी कैसे कर रहे हैं, हम बार्गेनिंग करते 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 इसको कम करवा रहे हैं। इवन आप ऑटो से ले लो या फिर आप कोई शॉप में कोई शॉपिंग कर रहे हैं। देखो यहाँ पे करपतलियाँ हैं। भैया कितने की करपतली? इधर वाला 350 का पेयर है। और ये 150। अच्छा भैया 300 रुपए का जोड़ा। अच्छा ठीक है, 2050। दोस्तों यहाँ पे इतनी भीड़ हो रही है, हमारी तो हिम्मत नहीं आगे जाने की, पीछे तक लाइन लगी हुई है बहुत गंदी। हमने एक्स्ट्रा पैसे देके ऑनलाइन बुक करवा दिया है आज में। सही बताओ और टिप्पी मत करना यार, बहुत भीड़ है। तो फाइनली हमें जंतर मंतर की टिकट मिल गई है और हम निकल पड़े हैं जंतर मंतर की ओर। बहुत भीड़ लगी है, बहुत लाइन लगी है यहाँ पे, देख सकते हैं। यहाँ पे हाई सिक्योरिटी है, यहाँ पे चेकिंग हो रही है अच्छे से, तभी अंदर इन मिल रहा है, क्योंकि कुछ बिना टिकट के अंदर घुस जा रहे हैं। तो फाइनली हम जंतर मंतर के गेट के अंदर पहुँच चुके हैं। ये देखिए नज़ारा, बहुत बड़ा बैल है यहाँ पे। उस तो कुछ देखा होगा आपने ऐसा जंतर मंतर कॉपियों में, ये देखिए देखा है ना। हाँ बोलिए। देखिए यहाँ पे शेप मिल रहा है ना ऐसे कटिंग में, जंतर मंतर कहते हैं भूलभुलैया टाइप का होता है, जो एक बार जाता है उसको वापसी में आने बहुत दिक्कत होती है। लेट्स सी कैसा रहता है हमारा, कैसे घूम रहे हैं गार्डन में। हाँ दोस्तों फव्वारे देखे नहीं देखे। ये है वाकिया केंद्र, यहाँ पे सब चीज की डिटेलिंग दी गई है। विंटर सीजन में इतनी तेज धूप हो रही है यहाँ पे, और यहाँ पे सब जगह कबूतरों ने अपना अड्डा जमा रखा है। हर टाइप की एज ग्रुप के पीपल्स यहाँ पे आपको देखने को मिल सकते हैं, बच्चे से लेके बूढ़े तक के, और काफ़ी यहाँ पे अच्छा लग रहा है और डेकोरेशन भी काफ़ी अच्छा है, शांति है और ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है। बंद है यहाँ से सीढ़ियाँ हैं, दिख रही है यहाँ पे कोई सीढ़ी के बगल में रेलिंग नहीं है जिसकी वजह से बंद किया गया है, और ऊपर तो कुछ सीढ़ियाँ टूटी हुई हैं। सोचो ना सपोज अगर ऊपर जाके कितना प्यारा व्यू आएगा यहाँ से। बाय बाय। हाय। मजा आ गया भाई, कंटेंट मिल गया भाई। कंटेंट मिल गया। से हाय टू एवरीवन। हाय। चलो यार। जंतर मंतर का क्वेश्चन जीके में आता है। है ना? फर्क नहीं पड़ता। से हाय। जो गाइड्स होते हैं वहाँ पे ये आपको गाइड कर सकते हैं, पर हर गाइड जो है यहाँ पे हर विजिट के लिए 400 रुपीज़ पे करना पड़ते हैं आपको। जैसे आपको 4 मेंबर हैं आपके साथ तो 400 रुपीज़ होगा, बट यहाँ पे आप बार्गेनिंग कर सकते हैं। बार्गेनिंग में आप कम से कम, तो हम 300 तक ले आए थे, आप उससे भी कम करवा सकते हैं। तो हमने तो एक गाइड जो किए थे वो हमने 300 में किए थे हवा महल पर। तो यहाँ पे जंतर मंतर में कोई गाइड नहीं करा, क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ लिखी गई है, तो आप उसको पढ़िए और उसके बाद उसकी जानकारी हासिल करिए। तो बहुत इजी होता है, इतना भी टफ नहीं है चीज़ें समझना। ये एक यंत्र है जिसके द्वारा टाइम, महीना और कौन सा दिन है और कितना बज रहा है अभी और कितना कौन सा साल है, तो ये सब चीज़ें से मेजर की जाती थी पुराने टाइम पे। ये कुंडलियों का यंत्र है जिसके द्वारा कुंडलियाँ दिखाई जाती थी।
फिर हम चल पड़े कठपुतली नृत्य देखने के लिए। अब हम निकल पड़े हैं होटल की ओर, जहां हमने आराम फरमाया। चलो आपको भी लेके चलते हैं अपने जाने के लिए। 1200 रुपए देने हैं। क्या 1200? किसने? सिटी पैलेस का 1200 रुपए चार लोगों का। भी प्राइवेट होगा भी या तो सिटी पैलेस है ना तभी। गाइस हमने किया है जिंजर होटल, जो कि थोड़ा सिटी से हटके है। होटल में जा रहे हैं, ये हमारा सामान खींचते हुए। भाई जिंजर के फीलिंग नहीं आ रही, लेकिन जिंजर ही हो गए। लेट्स गो। एक बैग है, मैंने टॉवल भी बिछाया है। वो ये हमारा है। फिर जलेंगे बल। चेंज कर लेंगे रूम। हरा बैकग्राउंड है तुम्हारा, ये सेम बैकग्राउंड है। यार कितना रोना है तुम्हारा हरा बैग। ओहो हो, ये सही है भाई। कितना बड़ा है। अब चिढ़ाओ एक दूसरे को। दीपिया लगता है वॉशरूम में ना जाए। तो पानी दिया है वेलकम ड्रिंक्स के बदले। पानी की बात की हुई थी या? दिन भर की थकान तो पूरी चाय या फिर कॉफी करती है, तो हमने बनाई चाय और कॉफी और उसके बाद बाहर का व्यू हमने लिया। फिर मंगाया हमने फास्ट फूड, क्योंकि हम बहुत भूखे थे सुबह से। दोस्तों हमारी कोल्ड ड्रिंक गायब हो गई है। चार कोल्ड ड्रिंक मंगाई थी, तीन ही कोल्ड ड्रिंक आई है। सबका मूड ऑफ हो गया। दोस्तों ये हैं सोफीज जो मैंने वहां से लिए थे। सो गाइस इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए मेरे साथ विनू के वी लॉग्स में। बाय बाय, टेक केयर।